पहाड़ों की मैगी। तो अभी है शिशु में, और जब भी आप शिशु आए, अगर घर के ना आए क्योंकि मनालिया के साथ काफी जगह हो गई थी, अब लोग चलता जाना पसंद करते हैं, बस हुए और देख आज हम चलेंगे शिशु और मनाली सीरीज का, ये हमारा है छठा वीडियो, तो काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रेवल एपिसोड को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए मनाली जब हम आते हैं तो कुल्लू जाते हैं, मनाली जाते हैं और अटल टनल तक भी लोग आते हैं, लेकिन इसके बाद देखिए अटल टनल से दो रास्ते कटते, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड जो मुड़ेगा वो जाएगा शिशु की तरफ, और अटल टनल से जो शिशु की डिस्टेंस है वो करीब 12 किलोमीटर है, और 12 किलोमीटर के लिए हम मनाली जाएं, अटल टनल जाएं, और 12 किलोमीटर की वजह से केवल शिशु को अगर छोड़ दें। देखिए जो शिशु विलेज है ये बहुत ही सुंदर जगह है और मस्ट विजिटेड प्लेस है। देखिए आप उसके आगे केलोंग जाए ना जाए, उसके आगे जिस्पा जाए ना जाए, लेकिन शिशु आपको जाना ही चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ये देखिए जो रास्ता है अटल टनल के बाद का और शिशु के पहले का, जो 12 किलोमीटर का सफ़र है वो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छे व्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए अगर हम मैं बात करूँ मनाली से तो करीब 40 किलोमीटर पड़ता है शिशु, और अटल टनल थी वो पड़ती थी 28 किलोमीटर, तो करीब करीब 12 किलोमीटर का सफ़र हमारा, 11-12 किलोमीटर का सफ़र रह जाता है अटल टनल क्रॉस करने के बाद। तो इस सफ़र को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, बहुत ज़्यादा अच्छा ये आपका जो है सफ़र होगा, और जो व्यूज़ आप देखेंगे वो लाजवाब व्यूज़ होंगे। देखिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हरियाली, बर्फ, आपको बर्फ मिलेगी अगर आप, देखिए मनाली में हम बर्फ देख सकते हैं, रोहतांग में बर्फ देखते हैं मनाली के अंदर, लेकिन जून में आप जाएंगे तो बर्फ़ आपको नहीं मिलेगी। अप्रैल एंड में भी बर्फ़ मनाली के अंदर नहीं मिलती। रोहतांग अगर ओपन नहीं होता तो लोगों को लगता है कि कहाँ जाएँ, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो शिशु, दूसरा खोक्सर। खोक्सर के अंदर भी आपको बर्फ़ मिलेगी, और जो ये है ये वाला पूरा रास्ता, इसमें आपको कहीं कहीं बहुत अच्छे पहाड़ों पर बर्फ़ देखने को मिलेगी, व्यू आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छा। ये हमारा दूसरा दिन था, और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सेकेंड डे आए थे अटल टनल। अटल टनल के बाद, जस्ट अटल टनल के बाद आपको कई लोग मिलेंगे, क्योंकि जो व्यू होता है ना अटल टनल के बाद वो काफ़ी अच्छा होता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहे होते हैं, और चाय कॉफ़ी मैगी ये चल रही होती है। उसके बाद जब आधा घंटे बाद शिशु के लिए चलते हैं तो पूरा रास्ता देखिए बहुत ही अच्छा, और बर्फ़ के सीज़न में तो ये पूरा ढका रहता है। जो मौसम होता है ना दिसंबर जनवरी फरवरी, जब यहाँ पे बर्फ होती है, मनाली का जो पूरा मनाली है वो बर्फ़ से ढक जाता है, सारे पेड़ होते हैं उस पर, एक अलग ही चादर होती है बर्फ़ की, तो वो एक काफ़ी अच्छा देखने वाला होता है। और ये एरिया तो बिल्कुल ही, देखिए अभी भी बर्फ़ है यहाँ पर, ये काफ़ी गर्मी का सीज़न है यहाँ पर, लेकिन अभी भी यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़ है। तो आप सोच लीजिए कि जो वो सीज़न होता होगा जनवरी फरवरी मार्च, उस टाइम यहाँ का रहता होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और ये जो रास्ता है ये बहुत ही सुंदर है। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको केलोंग भी लेके चलूँगा, उसके बाद मैं आपको जिस्पा भी लेके चलूँगा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं शिशु, और शिशु के अंदर काफ़ी हद तक बर्फ नीचे पड़ी हुई थी, पहाड़ों पर तो थी, साथ में जो नदी है उसके साथ भी हमने फोटोशूट किया नदी के आसपास भी। और ये देखिए ये व्यू देखिए आप, आपको किस, तो ये है लाहौल, वो लाहौल का जो विलेज है शिशु। सर्दी तो लग रही है, जोर से लग रही है।
स्नो, काफी स्नो इस मौसम में भी। और ये यहाँ पर जिप लाइन, अगर आप करना चाहते हो कभी आओ तो देख सकते हैं यार कितनी ज्यादा स्नो है, जबकि ये अप्रैल का एंड महीना है, अच्छी खासी स्नो। और ये झरना बीच में, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए बढ़िया बढ़िया व्यू। हाँ इसके पास जाना है ना, कैसा लग रहा है मैडम? परफेक्ट। शिशु है, जब बर्फ गिरी होती है यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी, तब काफी 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 अच्छा होता है यहाँ पे, काफी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पे मिलती है दिसंबर जनवरी में। ये देख अभी अगर इतनी बर्फ है तो आप सोच सकते हो दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या होता होगा, काफी अच्छा मौसम, गजब। और सच में अगर कुछ अलग करना है मनाली से, अलग जो भीड़ भाड़ वाली जगह है उससे अलग अगर आना है तो ये काफी अच्छा है। आप सिसु जाए, केलोंग जाए, जिस्पा जाए तो काफी अच्छा लगता है, सुकून भरा माहौल, बर्फ, काफी अच्छा माहौल। इफेक्ट ठंड भी लग रही है, रियल हाइस देखे इधर, दैट इज स्नो, स्नो सॉरी। अरे वीडियो में कुछ अभी भी बर्फ के ढेर पड़े हुए यहाँ पे, एक फोटो आ गया तो वैसे तो आ गए काफी फोटो आ गए आइस के साथ, स्नो के साथ। ये एक काम लेते हैं पहाड़ों की मैगी। तो अभी है सिसु में, और जब भी आप सिसु आए, अगर मेरा तो कहना आए क्योंकि मनाली एक ऐसा क्राउडेड जगह हो गई है कि अब लोग इधर की साइड आना पसंद करते हैं। अटल टनल के पास सिसु है और केलोंग है, जिस्पा है, ये मैगी जरूर खाएं। अब यहाँ से शिशु से आगे बढ़ेंगे केलोंग की तरफ, और केलोंग से फिर जिस्पा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अभी भी स्नो है, अब आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है।